हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्नो गेमिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम संजय और आप देख रहे हो टेक्नो गेमिंग। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार चैलेंजर मोड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले एक वीडियो के अंदर हमने बताया था कि कैसे चैलेंजर मोड के अंदर अपना अकाउंट लिंक करना है, लेकिन आज हम बताएंगे कैसे चैलेंजर मोड के अंदर अपनी खुद की टूर्नामेंट क्रिएट करना है। तो वीडियो को बिना स्किप करके स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिए, आपको चैलेंज मोड के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन घंटी को भी ऑन करके रखिए आगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, चैलेंजर मोड के अंदर क्रिएट टूर्नामेंट करने के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट टूर्नामेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट करके एक ऑप्शन शो करेगा। उस पर क्लिक करते ही आपको लॉग इन और साइन अप फॉर फ्री करके दो ऑप्शन शो करेगा। आपको यहाँ से सिर्फ लॉग इन ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपना ईमेल और पासवर्ड देकर लॉग इन करना होगा और आपका ऐड अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ऊपर के साइड कॉर्नर में एक प्लस वाला साइन दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद नीचे क्रिएट टूर्नामेंट करके एक ऑप्शन आएगा और उस पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। अब आपको यहाँ पे टूर्नामेंट का कोई भी नाम दे देना होगा। मैं यहाँ पे लेजेंड कप 2023 दे देता हूँ। उसके बाद आपको होस्ट बाय, मतलब कौन ये टूर्नामेंट होस्ट करेगा, ये भी आप सिलेक्ट कर पाएंगे। मैंने अपना टेक्नो गेमिंग चैनल को ही होस्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट करते ही आपको नीचे के साइड में एक एडवांस करके ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे आपको ब्रैकेट टाइप के अंदर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट मैं अभी सिंगल एलिमिनेशन को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, आप यहाँ से प्ले ब्रॉन्ज मैच बटन ऑन करके थर्ड और फोर्थ प्लेस डिसाइड करने के लिए एक ब्रॉन्ज मैच करा सकते हैं। देन आप यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम टीम्स भी सिलेक्ट कर पाएंगे, जो भी है वही रख देता हूँ। उसके बाद फिर से नेक्स्ट करते ही आप यहाँ से टीम साइज सिलेक्ट कर पाएंगे, बट अभी सिर्फ 1v1 ही शो कर रहा है, इसलिए चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप ओवर्स और मोड वगैरह भी सिलेक्ट कर पाएंगे। मैं यहाँ पे 5 ओवर और ईपोर्ट्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको फिर से नेक्स्ट करना होगा। फिर आप यहाँ पे टीम सेटिंग में सब्स्टिट्यूट और कोचेस वगैरह अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये वाला बटन ऑन करने से कोच या कैप्टन अपने हिसाब से प्लेयर सिलेक्ट कर पाएंगे, इससे ऑफ ही रखते हैं। विजिबिलिटी में आप इनवाइट ओनली बटन ऑन करने पर सिर्फ एडमिन इनवाइट करने पर ही कोई टूर्नामेंट के अंदर ज्वाइन कर पाएंगे, और अनलिस्टेड वाला बटन ऑन करने से जो भी डायरेक्ट लिंक से टूर्नामेंट ज्वाइन किया है उसके अलावा और कोई भी टूर्नामेंट को ज्वाइन करना तो छोड़िए, देख भी नहीं पाएगा, बाकी सभी से टूर्नामेंट बिल्कुल हाइड हो जाएगा। ये सब मैं अभी ऑफ ही रखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे टूर्नामेंट चैट को ऑन रखते हैं, इससे चैट कर पाएंगे। यहाँ पे नीचे आप टूर्नामेंट के लिए एंट्री फी अमाउंट भी अपने हिसाब से रख सकते हैं और उस एंट्री फी अमाउंट को टैक्स के थ्रू नीचे लिख भी सकते हैं। मेरा तो टूर्नामेंट फ्री है, इसलिए जो भी है वही रहने देते हैं। देन आपको फिर से एक बार नेक्स्ट करना है। अब आप यहाँ से टूर्नामेंट के शेड्यूल जैसे डेट टाइम वगैरह सिलेक्ट कर पाएंगे। नीचे आपको दो चीज़ देखने को मिल रहा है, सिंपल रजिस्ट्रेशन और रिक्वायर्ड चेक इन। सिंपल रजिस्ट्रेशन ऑन करने का मतलब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तक कोई भी टूर्नामेंट में ज्वाइन कर पाएंगे, बट रिक्वायर्ड चेक इन ऑन करने पर टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले एक चेक इन टाइम रहेगा, उससे पहले ही ज्वाइन करना होगा और कन्फर्म करना होगा, नहीं तो उसके बाद और ज्वाइन नहीं होगा। यहाँ से आप चेक इन टाइम कितना रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर पाएंगे, और यहाँ पे ड्राइव मोड में आप ऑटोमेटिक और मैनुअल टूर्नामेंट कर सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिक में शेड्यूल टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिक टूर्नामेंट और मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, बट मैनुअल में आप अपने हिसाब से टूर्नामेंट और मैच स्टार्ट कर पाएंगे। मैं तो मैनुअल ही सिलेक्ट करूँगा। ऑटो स्टार्ट गेम्स और ऑटो कैंसिल मैच ऑन टाइम, इन दोनों को ऑफ ही रखते हैं, नहीं तो मैनुअल सिलेक्ट करने का क्या फ़ायदा है। और थोड़ा नीचे आपको टाइमर देखने को मिलेगा, जिससे आप लॉबी टाइमर और गेम टाइमर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी है
मैं वही रख देता हूँ। देन आपको नीचे फिनिश करके एक ऑप्शन शो करेगा, उस पर क्लिक करते ही आपका टूर्नामेंट क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा टूर्नामेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और अब आप यहाँ से अपने सारे एक्टिविटीज वगैरह देख सकते हैं और अपने क्रिएट टूर्नामेंट के अंदर जाके टूर्नामेंट को कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया देन वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और एक बात, अगर आपको अपनी क्रिएट टूर्नामेंट को कैसे कंट्रोल करना है, साथ ही साथ अगर आपको जानना है कि कैसे मैच को होल्ड करें, कैंसिल मैच को दोबारा स्टार्ट करें, या फिर फोर्स विन क्या है और इसे कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए देन नीचे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।